नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं रविश कुमार को कोई परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है। इस वक्त वो बहुत ज्यादा खबरों में है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदी पत्रकारिता को जिस मकाम पे जो मानदंड इन्होंने स्थापित किया उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अभी इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। अभी हम सब लोगों के लिए, हम सब पत्रकारों के लिए, ईमानदार पत्रकारों के लिए जो बेखौफ निडर होकर पत्रकारिता करते हैं, जो बोलने से डरते नहीं हैं, हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस लिहाज से। ऐसे दौर में जबकि पत्रकारिता पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पुरस्कार का क्या मतलब है, कैसे उनका संघर्ष रहा, कैसे वो दिल्ली के अंदर आए और किस तरीके से क्या क्या मुश्किलों को उन्हें सामना करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है रविश आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको हमारे हिंदी.com के तमाम श्रोताओं और पाठकों की तरफ से बधाई। सबको शुक्रिया मेरी तरफ से। आपने तो एक विश्लेषणात्मक चीज़ों को देने का काम किया है, वो जो गायब हो गया है, जिसको मेन स्ट्रीम का करना चाहिए था वो सब हम लोग मार्जिन में खड़े होकर कर रहे हैं। तो जब आपको सूचना मिली तो क्या क्या महसूस, मतलब महसूस का मतलब, हाउ डिड यू रिएक्ट? क्या ये मुझे नहीं लगा था कि उस सही सूचना है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे लगा कि उस दिन लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे। और अलग अलग देशों के नाम से ट्रोल आता है, नंबर फ्लैश करता है, तो मुझे लगा कि कोई ट्रोल का नंबर है। तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि मैं ट्रोल दिखाना चाहता हूं, कि कोई हमारे साथ थी इंटर्न, तो मैंने उनसे कहा कि आपको ट्रोल का लैंग्वेज आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आपकी चॉइस ये है कि आप अगर पर्सनल सुनना चाहती हैं तो मैं फ़ोन देता हूं उठा के, और नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं उन गालियों से तो मैं स्पीकर ऑन कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो फिर मैं उठाया फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोले तो मुझे तो मैं तो स्पीचलेस हो गया। मैंने सोचा कि किसी ट्रोल का फ़ोन होगा, आवाज़ चला कि वहाँ से मनीला से फ़ोन होगा। तो उन्होंने पूछा कि आप चुप क्यों हो गए। मैंने कहा भी शायद कि मैंने तो समझा था मैडम कि किसी ट्रोल गाली देने वाला फ़ोन होगा, अब आप कह रही हैं ऐसा तो मानना पड़ेगा मुझे। तो थैंक यू। ये नहीं, दोपहर के वक्त आया था, दोपहर 3-4 बज रहा होगा, पहले ही आ गया था, काफ़ी पहले आ गया था। हाँ, उस दिन नहीं, उस काफ़ी पहले, हाँ ऑफिस में। अरे फिर तो अचानक, महीने पहले की बात है। हाँ हाँ, काफ़ी पहले आ गया था, उतना तो हो ही गया होगा, या 2-3 हफ्ता हुआ होगा, महीना पूरा नहीं हुआ होगा। तो लेकिन आपने भी बहुत मतलब गुप्त गोपनीय रखा है, जैसे आजकल सरकारें गोपनीय रखती हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि ये एक आप इसको सीक्रेट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अनाउंस्ड हो, और लीक होगी तो आप ही की तरफ से होगी। तो मैंने कहा तो आपको बताना नहीं चाहिए था। वो भी आप मेरे फ़ोन पे बता रही हैं, तो ये तो मैं फोन पे तो मैं भरोसा नहीं करता। हाँ, लीक नहीं हुआ, फिर हमने बात ही नहीं की, मैं भूल गया। फिर चलता कभी कभी याद आया था कि अच्छा उनका फ़ोन आया था, तो देखते हैं। ज़्यादा पता एहसास तब हुआ कि जब वो दिन करीब आ गया, जब उनका फाइनल मेल आया ना, उस दिन कुछ रिएक्ट किया कि अच्छा ये कुछ मिल रहा है। हाँ, कि सिंक इन किया। हाँ, कि परसों के लिए आप लोग तैयार रहें, ये लिंक है और कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह, तब लगा कि नहीं ये हो रहा है। फिर मुझे लगता था कि पता नहीं बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको कहें। तो परिवार ने इसको कैसे दिया? हाँ। और आपने परिवार से नहीं, हमने तो माँ तो नहीं समझ पाई कि क्या पुरस्कार है, लेकिन उन्होंने यही समझा कि दुनिया का कोई पुरस्कार है ये। घर वाले, लेकिन जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो लोग समझ गए गूगल वूगल करके क्या है ये। और हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ तो काफ़ी खुश हुए वो देख के, कि उनको पता था। और वो अक्सर कहते थे मेरे फादर इन लॉ कि हाँ वो कोलकाता में है, कि तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारा इतना अच्छा काम है। तो मैं हंसता रहता था कि यार जो कि ये आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। तो लेकिन वही कहा करते थे, और भी ऑफिस में भी एक दो सरप्रिया ने एक बार कहा था कि आपको मिलेगा। अच्छा। ओम थानवी तो मुझे लगता है कि उन्होंने बकायदा पोस्ट लिखी थी ओम थानवी जी ने, कि हाँ कि बहुत पहले
कि इसको मिलेगा, मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये दो तीन लोग हैं जो कहते रहे हैं तो वही हो गया है, लेकिन ज़्यादा पता चला तब जब रिएक्शन आया तो। हाँ, मैं सचमुच सोच रहा था कि ये एक और पुरस्कार है, मैं ज़्यादा सोच रहा था कि कहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ ना दे तो मैं रखूँगा कहाँ, मेरा घर तो छोटा है, अब और कहाँ जाके रखूँगा, कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, कोई दीवार ही नहीं है इस घर में। तो लेकिन जब लोगों का रिएक्शन आया तब मैं भीग गया पूरी तरीके से। हाँ, मुझे नहीं भरोसा था कि मुझे वो, तब ट्रोल के दिनों में भी जिन्होंने पूरी ताकत लगा के गालियाँ दी तो 4,500 ही मैसेजेस आए हैं, लेकिन 10,000 मैसेज आ जाएंगे और वो 3-4 घंटे के भीतर, मैं रो दिया तब कि, अच्छा। कि लोग क्या इतना प्यार करते हैं। और मैंने लिखा भी है कि मैं सचमुच, मुझसे कोई मैसेज डिलीट नहीं हो रहा था आशुतोष। हाँ, लोगों ने बहुत प्यार से लिखा था, मतलब बार बार लग रहा था कितनों का जवाब दूं, हाथ पूरा दुख गया, दर्द कर गया, मतलब इतने लोगों का तो जवाब दिया नहीं जा सकता है, लेकिन कोशिश की कि मैं सबका पढ़ूं, अभी सबका पढ़ नहीं पाया हूं। तो सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।